हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिलाइटफुल रसोई। आई एम कीर्ति और मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ इंडियन स्वीट रबड़ी। सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 लीटर फुल फैट मिल्क। आप गाय का दूध भी ले सकते हैं। इसके अलावा शुगर 100 ग्राम। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आप 50 ग्राम शुगर ले सकते हैं या 1/2 कप। इलायची पाउडर एंड आलमंड्स। ये जो हमने 2 लीटर मिल्क लिया है इसमें 4 to 5 पीपल के लिए रबड़ी बनाई जाएगी। हमारा दूध इसमें शिफ्ट कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि जब तक दूध में उबाल नहीं आता है आप दूध को कंटिन्यूस स्टर करते रहिएगा। साथ ही इसकी फ्लेम जो है वो अभी हाई होती है, लेकिन जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है आप इसे लो फ्लेम पर रखिएगा। रबड़ी एक बहुत ही टेस्टी इंडियन स्वीट है जिसे ऑलमोस्ट हर जगह पसंद किया जाता है। और आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसे मत डालिए आर्टिफिशियल, ये वैसे ही बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है जो कि प्लेन मिल्क से बनाई जाती है। आप इसे फास्ट में खा सकते हैं। अगर डायबिटिक हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अब हमारा दूध बॉईल हो गया है। इसे रबड़ी बनाने के लिए हम कढ़ाई का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसके किनारों पर इसके धीरे धीरे जैसे जैसे दूध गर्म होता है इसकी मलाई जमने लग जाती है। जो रबड़ी में लच्छे आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। इस दूध को अब हम लो फ्लेम पे 1/2 क्वांटिटी तक रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा मिल्क 1/2 क्वांटिटी का हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। साथ ही में आप देखिए इसके किनारों पर ये जो लच्छे जमे हुए हैं इसने सबको हमको हटाना है ताकि ये लच्छे अब इस रबड़ी में आ सके। अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। शुगर ऐड करने के बाद इसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे और इसकी क्वांटिटी और थोड़ी सी रिड्यूस होने तक इसे बॉईल करेंगे क्योंकि शुगर में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसे जैसे ही गर्म किया जाता है वो थोड़ा सा पानी छोड़ती है। वो पानी जब तक सूख ले और ये वापस रबड़ी ठीक हो जाए तब तक इसे बॉईल करेंगे, साथ ही साथ इसे स्टर भी करते रहेंगे क्योंकि अगर हम इस स्टेप पे हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये रबड़ी नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगी। इसके अलावा जितने भी लच्छे हमारे ये आए हैं अब इन्हें हम हटाना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए बिना किसी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट के, बिना आपके दूध में टाटरी नींबू या दही का इस्तेमाल किए इतने अच्छे रबड़ी के लच्छे आए हैं। इन सभी लच्छों को हम अब हटा लेंगे और रबड़ी को थोड़ा सा रिड्यूस होने के लिए छोड़ देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जैसा आपको पसंद है, काफ़ी थिक या थोड़ी सी लूज, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसे जब हम रेफ्रिजरेट करेंगे इसे 2 घंटे रेफ्रिजरेट करेंगे, या किसी को गर्म पसंद है तो वो गर्म भी सर्व कर सकता है, लेकिन इसको जब ठंडा किया जाता है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे ताकि ये काफ़ी थिक ना हो जाए। ये देखिए ये हमारी रबड़ी और थिक हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और गार्निशिंग के लिए आमंड ऐड करेंगे। ये हमारी देखिए गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी तैयार है जिसमें सिवाय मिल्क के कोई भी अदर इंग्रेडिएंट यू आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया गया है। इसमें प्योरेस्ट फॉर्म है मिल्क की।
अगर आप इसे विदाउट शुगर खाना चाहते हैं तो आप विदाउट शुगर भी खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे किसी और फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे आप जलेबी के साथ यूज़ कर सकते हैं, या आप गुलाब जामुन के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, और समर्स में जबकि हमें मैंगोज अवेलेबल होते हैं, हम इस रबड़ी का यूज़ आम रबड़ी बनाने में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।